रियासत के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बन टोल प्लाजा पर टोल के दाम को कम करने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया ने उधमपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मनकोटिया ने कहा, बन टोल प्लाजा पर गाड़ियों से जो टोल वसूला जा रहा है वह बाकी जगहों से अधिक है, जो कि लोगों को दुगनी मार है। देखिए, ये जो टोल टैक्स का मसला है, जिसको लेके हमने पहले भी एक दिन पत्रकार वार्ता की थी और उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के ऑफिस के बाहर हमने एक रोजा धरना किया था, वन डे स्ट्राइक की थी हमने, और गवर्नर साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया था डीसी उधमपुर के माध्यम से कि हमारा जो टोल टैक्स का मसला है, जो वन टोल प्लाजा पे, उसको लेकर और उसके साथ हमारा उधमपुर टाउन की जो पानी की समस्या है, यहाँ जो नशाखोरी की समस्या है और यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम की समस्या है। पहले तो हम डीसी साहब का ये शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया है और कल ही उन्होंने एक जो बैन यहाँ पे मोबाइल बैन का जो इन्होंने एक हरी झंडी दिखाई है, तो अब उसका रिजल्ट आना, जल्दी आना एक बात है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए मीटिंग्स भी बुलाई है, सारे ऑफिसर्स की अलग अलग मीटिंग्स भी की हैं और इसके ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट किया है। तो हमें उम्मीद है कि इस पे जो हमने डिमांड्स रखी हैं उस पे जल्द रिजल्ट आएगा और पब्लिक की तरफ से और हमारी पार्टी के लोगों की तरफ से पूरा प्रशासन को, अगर वो इन मुद्दों के ऊपर काम करता है तो डेफिनेटली पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो टोल प्लाजा वाला मसला है, टोल टैक्स का मसला जो है, इसके ऊपर इसको डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली अप्रैल से इसने जो रेट्स बढ़े हैं, जो 200 रुपया अप एंड डाउन का 200 रुपया किया है और 135 एक तरफा किया है, जबकि पिछले चार वर्षों में जब ये स्टार्ट हुआ उसके मुकाबले में चार वर्षों में लगभग दुगना रेट कर दिया है, दुगना, क्योंकि उस टाइम आने जाने का 110 था और आज 200 कर दिया है, चार सालों में करीब दुगना रेट हो गया। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी चीज़ का रेट चार साल में दोगुना डबल हो जाए, 100 गुना बढ़ जाए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी देश में होता होगा, जो कि यहाँ पे वन टोल प्लाजा पे होता है। तो इसमें आज हमने यहाँ जो पीडी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है टोल टैक्स को लेके, और कल हमारा एक डेलीगेशन जिसमें हमारे काउंसलर्स भी होंगे और जिसमें हमारे पार्टी के और सीनियर लीडर्स भी होंगे, कल हम पर्सनली उनसे मिलेंगे जम्मू में उनके ऑफिस में और उनको वन टू वन जाके ये बताएंगे कि इस जो है हैवी टैक्स जो हमारे लोगों के ऊपर पड़ रहा है, इसको ज़्यादा देर तक लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके मुतल्लिक हमने ऑलरेडी प्रशासन के नोटिस में लाया है। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज हमने एक मेमोरेंडम उनको। उधमपुर से राकेश बड़ियाल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।